गुड, बहुत अच्छा, नाइस। कूल खेलो ना आप, देखो हेलो, अगर आपको धक्का दे देगा ना कोई तो आप खेलना नहीं। मंजूर आ जाएंगे इसके बाद उन्होंने। चलो बहुत महवेश रशीद आज, इसके बाद जुनैद मोहम्मद आएंगे, योगिन साहब आप सब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसका मकसद ये है कि हम बच्चों को इस वजह से ट्रेन कर रहे हैं ताकि कहीं पे भी अगर इनको दिक्कत हो, कोई मुश्किलात हो, इफ़ दे फेस एनी ओबस्टिकल और प्रॉब्लम, दे कैन ओवरकम इट इन एन इजी वे। कितना ज़रूरी है बच्चों को ये ट्रेनिंग देना एज ए कोच आप यहाँ? आई थिंक ये इतना ज़रूरी है जितना मेरा यही ख्याल है, ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है ना, बच्चों के अंदर तो हुनर होता ही है, लेकिन जब भी इनको कोई दिक्कत होती है, कोई मुश्किलात होती है, जब भी ये तन्हाई में कहीं पे फंस जाते हैं तो इनके अंदर हौसला नहीं रहता है, तो जब इनको हम ट्रेन करते हैं तो ये हौसलेमंद हो जाते हैं, तो कहीं पर भी किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। यही हमारा मकसद है, यही वजह हम इनको ट्रेन करा रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, इससे एक तो इंसान जिस्मानी तौर से तंदुरुस्त रहता है, चुस्त रहता है, और मुझे लगता है ये बाकी बुरी आदतों से, खासकर ये नशे से, ड्रग्स से, तो इन या ये जो है मोबाइल मीनिया है, इससे ये दूर रहते हैं, क्योंकि जब ये फिज़िकल एक्टिविटी में मदगम हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं, तो इनको टाइम नहीं मिलता है फजूलियात में पढ़ने का। ट्रेन करने के दो मकासद है, ज़रूरी तो है, इसके दो मकासद है, एक जो है बच्चे अपने अपना लोहा मनवाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, दूसरा जो है ना, ये अपने आप को कहीं पे भी डिफेंड कर सके, अगर इनके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाता है या कहीं पकड़ में आ जाता है, ये खुद को छुड़ा सके अपने बलबूते पे, तो ये इंडिपेंडेंट बन जाते हैं ट्रेनिंग की वजह से। स्लॉट है ये हम करवाते पूरे नॉर्थ कश्मीर में नहीं, क्योंकि पूरे इंडिया में मैं करवाता हूँ, मैं इंडिया का कोच भी हूँ। मेरा नाम हिलाल अहमद मीर है, एक्चुअली मुझे इंडिया में हिलाल थापा के नाम से जानते हैं। मैं दिल्ली YMCA का कोच हूँ, प्लस इंटरनेशनल यूथ सेंटर इंस्टीट्यूट का कोच हूँ, तो यहाँ पे मैं चीफ कोच हूँ नॉर्थ कश्मीर सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट का। यहाँ पे हमने एक कोच को रखा है जो यहाँ पे ट्रेनिंग बच्चों को करवाते हैं स्कूल में। तो यहाँ पे आज हमने बैलेट ग्रेडिंग रखी है, तो यहाँ पे जो बैलेट ग्रेडिंग हमने, यहाँ पे जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं उनको आज हमने यहाँ पे ग्रेडिंग की है जालोरा में,
यहाँ पे बहुत सारे कोचेज है हमारे, यहाँ मुश्तबा साहब है या उमर साहब है, यूसुफ साहब है, सब हम मेरे स्टूडेंट भी है और यहाँ पे कश्मीर में ये चलाते हैं यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल में। तो आज हमने इधर रखा एक प्रोग्राम जिसमें हमने इन बच्चों को आज यहाँ पे हमने ग्रेडिंग टेस्ट किया, किसी को येलो बेल्ट दिया, किसी को ऑरेंज बेल्ट दिया, किसी को ब्राउन बेल्ट, जो भी किसी के काबिल था, जिसके पास अच्छी फाइटिंग थी, अच्छा काता था, अच्छा ब्लॉकिंग और अच्छी किकिंग थी, उसी हिसाब से हमने उनको यहाँ पर ग्रेडिंग की है। क्या मकसद है इसका, मतलब जो आप करवा रहे हैं? सर ये आप पूरे इंडिया में जानते हो इसका मकसद क्या है। अगर इंसान ये सेलिब्रिटी फेमस मार्शल आर्ट है सर, इसमें किक बॉक्सिंग है, मोई थाई है, शतोरियो है, ताइकंडो है। तो मैंने पहले शतोरियो किया इंडिया से, ITF भी किया मैंने, ऑल इंडिया ताइकंडो फेडरेशन इंडिया से किया पटियाला से, उसके बाद मैंने सर गोल्ड मारा, उसके बाद मैंने दिल्ली YMCA में एडमिशन लिया है, उसके बाद मैं शतोरियो करता था सर, उसमें भी मैंने ब्लैक बेल्ट लिया है। शतोरियो के बाद सर मैं गया था, मतलब 2004 में मैं गया था खेलने के लिए। ज़रूरी है बच्चों को सर ये सेलिब्रिटी फिटनेस इतना अच्छा है, अगर बच्चा प्रैक्टिस करे, बच्चे को ये इतना सेलिब्रिटी फिटनेस में फिजिकली बच्चा फिट रहता है सर, इसमें मेंटेनेंस फिट है सर, ईच एंड एवरीथिंग बच्चा फिट है, और इसमें अगर बच्चा चाहेगा ये अच्छा एक तरबियत है, एक नेशनल लेवल पर जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर जा सकता है, जो अच्छी मेहनत करेगा बच्चा, वो तो कॉमन सेंस बात है, वो तो सर आगे जाएगा।